हाँ जी आइएगा, एक मिनट अब करो सब में। मैम सबने एंड द गेस्ट ऑफ ऑनर अलोंग विद अर्ज़ोई टीम टू प्लीज हैंड ओवर द पैक ऑन टॉम टू बी अडॉर्न्ड फॉर मैम। इधर मैम थोड़ा सा आप इधर। यस मैम मैम थैंक यू फॉर ड्रेसिंग अप विमेन एंड दैट्स हाउ एम हाउस ऑफ फैशन केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर्मली इन जनवरी 2022। M House of Fashion is a small manufacturing unit located in industrial area Mohali. M House of Fashion specializes in women garments with unique selling points and thread. And you know the tailoring or all the clothing work like लोग समझते थे जरूरत ही नहीं है कुछ भी पहना लो. But India is changing and I'm really happy. And याना भी है कुछ. तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से ये कोशिश है कि थ्रू निफ्ट भी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जाए ताकि नए नए इंडस्ट्रीज पंजाब में आ सके। तो हमने हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी काफ़ी प्रोविजन किया हुआ है कि नए इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए बढ़ावा देने के लिए। तो वो जो निफ्ट मोहाली स्टूडेंट्स की तरफ से आ जाए तो हमें बहुत ही खुशी होगी क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक हमारी मोटिव है जो थ्रू निफ्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया टीम बहुत सही है, वी विल बी हैविंग अ ड्रोन शूटिंग ऑन कैंपस फॉर दैट। आई एम रियली एक्साइटेड एंड इट्स अ ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी एज वेल अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना और वहाँ पे अपने कल्चर को अपने ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई एम क्वाइट एक्साइटेड एज वेल नर्वस ऑल्सो बिकॉज इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। तो एक को एक कल्चर को रिप्रेजेंट मैं चाहती हूँ वहाँ पे सबको रिप्रेजेंट करना। बहुत डिफिकल्टीज आ रही है एक्चुअली, इस चीज़ के लिए कोई ऐसी एसोसिएशन है नहीं एंड फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना सपोर्ट नहीं है। तो आई एम डूइंग इट माई ओन थोड़ा बहुत और विद द हेल्प ऑफ माई मदर, उनकी जो विल पावर है और जो भी है मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और जैसे अर्ज़ोई ब्रांड है उन्होंने मुझे आउटफिट के लिए स्पॉन्सर किया है, तो एक दो और लोग हैं जैसे अनुपम खेर अकेडमी एक्टर्स प्रिपेयर है, उन्होंने मुझे एक ग्रूमिंग सेशन दिया है एंड बट इसके लिए अभी गवर्नमेंट इतना अवेयर नहीं है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं शायद वहाँ से जीत के आऊँ। आप सबका सपोर्ट रहे और मीडिया की तरफ से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ये बात आप गवर्नमेंट तक भी पहुँचाए कि जिस तरीके से पैरालंपिक्स में हेल्प की जाती है उसमें इस चीज़ में भी हेल्प होनी चाहिए। वी कैन डू लाइक थिंग्स इन फैशन एंड ग्लैमर फील्ड एज वेल। और ये यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, अपने इंडिया को किसी भी चीज़ में रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है आई थिंक। तो अगर हमें सपोर्ट मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। पेरेंट्स का बहुत अच्छा सा वो आज तक आई थिंक मैं यहाँ पे पहुँची हूँ तो उन्हीं के कारण पहुँची हूँ। मेरी मदर ने चाहे स्टडीज में चाहे यहाँ पे, मैं पहले से ही व्हीलचेयर पे हूँ, मैं 2 साल पहले मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था तो मैं 2 साल तक बेड पे ही थी रिकवर करने में, बट मेरी मदर ने मुझे काफ़ी हिम्मत दी और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ और जल्दी इंडिया को रिप्रेजेंट करने अराउंड एक राउंड होगा इंडियन राउंड जहाँ पे मैं एक अपना लुक दूंगी राजपूत लुक। आई एम डूइंग अ वॉरियर इन व्हील चेयर और एक राउंड होगा गाला गाउन का और वहाँ पे अराउंड 25 प्लस कंट्रीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिप्रेजेंट करेंगे। जब मैं इंडिया से सिलेक्ट हुई अराउंड 151 प्लस कैंडिडेट्स थे, उसमें से मैच में गई अराउंड मैं सेमी फाइनलिस्ट बनी थी एंड द मैक्सिको अथॉरिटी एंड द मिस व्हीलचेयर जूरी सिलेक्टेड।
एडमिटेड थी, मैं पहले भी लाइक आई एम अ जनरल सेक्रेटरी इन रोटरी क्लब, मैं डिफरेंट एबल्ड के लिए भी काम करती हूँ और मैं व्हीलचेयर मॉडलिंग करती थी, तो इस चीज़ के लिए प्लेटफॉर्म देख रही थी। तो मैक्सिकन जूरी ने मेरा पहले का काम भी देखा और मुझे इस चीज़ के लिए चुना, एंड टुडे आई एम मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड इंडिया एंड सून गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया, एंड इफ आई विन द कॉन्टेस्ट तो डेफिनेटली आई विल बी गेटिंग द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आने वाले जो मेरे जैसे लोग हैं उनके लिए शायद मैं चीज़ें आसान कर पाऊँ इस चीज़ में, और जो दिक्कत जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी है आई होप वो उनको ना करनी पड़े।